ઓફ વડોદરા રેડિક્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા પોતાના 18મા વર્ષના સેલિબ્રેશનને લઈને રાત્રિ બિફોર નવરાત્રિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેને લઈને એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વડોદરા શહેરના રેડિક્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, જે વર્ષોથી શિક્ષણ ક્ષેત્રે કાર્યરત સંસ્થા છે, જે નીટ અને જેઈઈની તૈયારી વિદ્યાર્થીઓને કરાવે છે, ત્યારે રેડિક્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા બિફોર નવરાત્રિનું આયોજન તારીખ 25/9/2022ને રવિવારના દિવસે શિશુ સાંસ્કૃતિક ગરબા મહોત્સવ ગોત્રી સેવાસી રોડ વડોદરા ખાતે કરવામાં આવ્યો છે. આ ગરબાની ખાસ વાત એ છે કે આમાં બાળકો અને અભિભાવક સાથે ગરબા રમશે. આ ગરબામાં તમામ માટે એન્ટ્રી તદ્દન મફત છે, પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પરથી ફ્રી પાસ લેવા જરૂરી છે. સાથે આ ગરબા મહોત્સવમાં વિવિધ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો પણ સાથે ગરબા ઘૂમશે. આ વિશે વધુ માહિતી અમિત ઝાકલે આપી હતી. गरबा का आयोजन किया गया है, कौन सी संस्था की ओर से किया गया है और कौन सी तारीख पे किया गया है और क्या खास आयोजन किया? रेडिक्स इंस्टीट्यूट, हम लोग पिछले 18 साल से स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट जेई की प्रिपरेशन करवा रहे हैं. तो इस बार हमने सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 2 साल से गरबा नहीं हुआ है और ऑफलाइन क्लासेस नहीं होने की वजह से बच्चों में, टीचर्स में एक डिसकनेक्ट है, तो हमने एक अटैम्प्ट किया है कि हम एक ऐसा आयोजन करेंगे रात्रि बिफोर नवरात्रि का, जिसमें टीचिंग फ्रेटर्निटी के लोग, डिफरेंट स्कूल के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, सब एक साथ गरबा का आनंद लेंगे और इससे एक कनेक्टिविटी बनेगी टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में. ये जो आयोजन है, ये रेडिक्स इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज़ किया है और इसमें मैं बड़ौदा के सभी स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो 9 to 12 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, मैं उन सबको इन्वाइट करता हूँ. आपको इसके लिए फ्री पासेस मिलेंगे. आप फ्री पासेस की डिटेल्स में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से फ्री पासेस कलेक्ट कर सकते हैं. और इस इवेंट में 25 तारीख को, 25 सितंबर, शाम को 7 से 11 बजे तक ये आयोजन रखा गया है, शिशु सांस्कृतिक गरबा ग्राउंड कोलैबरा के सामने, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है. सर, कितनी कैपेसिटी है? कैपेसिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 5,000 स्टूडेंट और टीचर्स हमारे साथ जुड़ेंगे. और ये बड़ौदा में अपनी तरह का एक पहला यूनिक इवेंट होगा. बड़ौदा एक सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ पे बहुत अच्छे गरबा होते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि टीचिंग फ्रेटर्निटी का एक ये आयोजन रखा गया है. जी सर, खास करके आपके गरबा में क्या यूनिक होगा, क्या है जो? देखिए, सबसे यूनिक तो हमारे गरबा में यही होगा कि इसमें अलग अलग स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब लोग आपस में आके जुड़ेंगे और साथ में गरबा करेंगे. यही अपने आप में एक है. और उसके अलावा वहाँ पे सरप्राइज गिफ्ट है, फूड स्टॉल्स हैं. तो बेसिक हमने यही सोचा है कि एजुकेशन तो हम इतना सालों से इम्पार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक एक्टिविटी रखी जाए जिसमें बच्चे और टीचर्स आपस में कनेक्ट कर पाए. सर, सिक्योरिटी? हाँ, यहाँ पे सिक्योरिटी के पूरे प्रॉपर अरेंजमेंट हैं, CCTV कैमरा से लेके और बाकी सभी तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को प्रॉपर ध्यान में रखा गया है. और फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आए, उनके लिए पासेस कलेक्ट करें, तो सिक्योरिटी और ज़्यादा अच्छी रहेगी, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, तो आयोजन और बड़ा होगा, क्योंकि पेरेंट्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे. तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग आएँ और इस इवेंट को ज्वाइन करें. आपका परिचय सर? मैं अमित कुमार झाकल, और मैं पिछले 18 साल से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्ज़ाम एंड द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. दिस इज़ द आइडिया ऑफ द रेडिक्स. इज़ दिस रेडिक्स का आइडिया ही यही है कि हम NCERT को, बोर्ड को फोकस में रख के कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं. हमारी टीम में जितने भी मेम्बर्स हैं, सबको कम से कम 15 से 18 साल का एक्सपीरियंस है. जैसे उमेश माहेश्वरी सर, दीपांजिता पात्रा मैडम, कमलेश जोशी सर, अभिराज कानितकर सर, डॉक्टर बबीता सिंह, पूरी टीम में हर मेंबर, हमारा मोटो ही यही है कि एजुकेशन विद डिफरेंस, द टीम विद विजन, द टीम विद मिशन एंड द टीम विद पैशन. इस मिशन के साथ और इसी यूनिक आइडिया के साथ हम लोग आ रहे हैं कि बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दी जाए, लेकिन बीच बीच में थोड़ा फन एक्टिविटी भी होना चाहिए.